चलो भैया हेलो हेलो खजराना गणेश जी के दर्शन करने आए थे और इनको वैक्सीन नहीं लगा था। इन्होंने यहाँ पर वैक्सीन लगवाकर खजराना गणेश जी के अब ये दर्शन करेंगे। इन्होंने एक मिसाल पेश की है। सभी से निवेदन है कि तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और जितेंद्र मौर्य जी कुछ कहना चाहेंगे बताइए। मेरा मानना है कि सभी को वैक्सीन लगाना आवश्यक है, क्योंकि सरकार जो कदम उठा रही है तो उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना भक्तों के लिए खोल दिया गया है। श्री गणेश मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर माननीय मनीष सिंह जी ने भक्तों के लिए यहां पर मंदिर बुधवार के लिए भी दर्शन के लिए खोल दिया गया है। और यहां पर वैक्सीन सेंटर भी, एक भव्य वैक्सीन सेंटर भी बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन अनिवार्य है। अगर आपको वैक्सीन लगा है तो प्रवेश दिया जाएगा। सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा या मोबाइल पे उसका मैसेज बताना पड़ेगा। जो भी श्रद्धालु अगर वैक्सीन नहीं लगी है वो खजराना गणेश मंदिर पहले वैक्सीन लगा रही है उनको, उसके बाद ही उनको दर्शन का मौका दिया जा रहा है। और यह वैक्सीन सेंटर में भी आज सुबह से बहुत ही भीड़ है और अभी तक लगभग 350 वैक्सीन यहाँ पर लग चुकी है। अभी देवास से एक जोड़ा यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था पर सुरक्षा गार्डों ने उनको वैक्सीन नहीं लगे होने के कारण प्रवेश नहीं दिया था। उन्होंने यहाँ पर मुझसे संपर्क किया, उनको प्राथमिकता पे वैक्सीन लगवाई गई दोनों को और वैक्सीन लगा के उनको प्रवेश दिया गया। उनके पास आधार कार्ड वगैरह सभी था तो इसलिए उनको वैक्सीन लगवाने का मौका दिया गया। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और खजराना गांव के लोग भी आ रहे हैं, सबको यहाँ पे वैक्सीन लगा के ही दर्शन प्रवेश दिया जाए। खजराना गणेश मंदिर पर जो भी वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं उनको बटर खिचड़ी एवं केसरिया खीर का प्रसाद भी दिया जा रहा है, ताकि कोई खाली पेट ना रहे, वैक्सीन लगाए बाद खाना खा सके। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।